बॉलीवुड का बॉलीवुड न्यूज़ का ये चैनल पिंकू एक्सप्लेन्स में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है, लो बजट फिल्म जिनको कहा जाता है, आज भी बनती है। वैसे ही 1973 में एक फिल्म बनी थी जो कि कम बजट में बनी थी, और उस फिल्म को जब बनाया गया था तब जिसको लीड रोल लिया था एज ए लीड उसको लेंगे ये कभी नहीं सोचा था। जो लेखक थे उन्होंने धर्मेंद्र जी के बारे में सोचते हुए लिखा था। वो एक सीरियस पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था और फिल्म का नाम है जंजीर। जंजीर में अमिताभ बच्चन एज ए लीड सक्सेसफुल बन गए, लेकिन अमिताभ बच्चन का कोई चांस ही नहीं था। सलीम जावेद जो पेयर थे, राइटर्स पेयर, पहले उन्होंने धर्मेंद्र जी के बारे में सोचते हुए लिखा, और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी ने जब ये स्क्रिप्ट ली तो उन्होंने भी सोचा था कि धर्मेंद्र जी जो हैं वो करेंगे। उन्होंने स्क्रिप्ट के पैसे भी दे रखे थे धर्मेंद्र जी ने, मीन्स डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए कि वो ये फिल्म कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से धर्मेंद्र जी नहीं कर पाते। दिलीप साहब के पास सलीम जावेद खुद जाते हैं अप्रोच करने के लिए। दिलीप साहब बाद में कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैंने छोड़ी, अच्छा नहीं किया। और वैसे ही प्रकाश मेहरा साहब राजकुमार के पास गए थे, राजकुमार एक्टर, राजकुमार को जानते हैं, प्रकाश मेहरा के सर के बाल पे जो तेल वो लगाते थे चमेली का तेल, वो उन्हें पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये झेलना पड़ेगा मुझे पूरी शूटिंग में। देवानंद साहब के पास गए तो देव साहब ने कहा मैं करूँगा, लेकिन इसमें एक रोमांटिक अंदाज रखूँगा इस कैरेक्टर में, और मैं अपनी जो लाल जो रुमाल है वो लाल रुमाल को बांधते हुए अपने गले पे वो मैं काम करूँगा। सलीम जावेद साहब ने इस कैरेक्टर को बिल्ड वैसे नहीं किया था, उसमें पूरा सीरियसनेस था, तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सर्वप्रथम चॉइस कौन थे, सुपरस्टार राजेश खन्ना। लेकिन सलीम खान साहब ने कहा कि राजेश खन्ना साहब जो हैं वो रोमांटिक एक्टर हैं और ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। वैसे राजेश खन्ना साहब ने ये भी कहा कि मुझे तो भैया गाने चाहिए और इसमें हीरो के ऊपर एक भी गाना नहीं है। तो सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, सारे ऑप्शंस चले जाते हैं। देखिए राइटर ने लिखा था कि कोई भी जो बड़े नामचीन एक्टर हैं उनमें से कोई एक काम करेगा, लेकिन जब राइटर्स ने देखा तो इन सब ने मना कर दिया। प्रकाश मेहरा भी घबरा गए। तो फिर सलीम खान और जावेद अख्तर के जहन में आता है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, आनंद का वो कैरेक्टर जिसमें कहीं ना कहीं सीरियसनेस उन्होंने दिखाया, और बाकी जो गुड्डी मिली इसमें भी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेटेड एंग्री यंग मैन इमेज तो आती है। एक आदमी, एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसका कैरेक्टर, उसके साथ ज्यादती हुई है तो कैसा फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, उस चीज़ को इमेजिन करते उन्होंने उनका सुझाव दिया। और जया बच्चन जो कि उनकी पत्नी होने वाली थी तो वो भी साथ में काम करती हैं। तब फिर प्रकाश मेहरा जी एग्री कर जाते हैं, बाद में कन्विंस्ड होते हैं बाद में इनफैक्ट कि चलो अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अमिताभ बच्चन को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी सिवाय आनंद के, और आनंद में राजेश खन्ना साहब की वजह से उनको सफलता मिलती है। देखिए रिस्क इन्वॉल्व था फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल धमाल कर दिया एक सीरियस पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में। लेकिन इसमें एक और कैरेक्टर हैं प्राण साहब, जिनकी वजह से फिल्म हिट होती है। प्राण साहब ने यारी और ईमानदारी को इस पिक्चर के अंदर दिखाया और अमिताभ बच्चन को बिल्कुल सपोर्ट किया, तभी जो है अमिताभ हिट हुए। और इसमें गाना था यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, उस गाने को गाने के लिए और गाने में नाच को ठीक से करने के लिए उनको मनाना पड़ता है। प्रकाश मेहरा जी रोज़ प्राण साहब के घर में जाते हैं और उनको मनाते हैं, आखिर में उनको नचवा ही लिया इस गाने में, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। कितनी बढ़िया फिल्म है, मन्ना दे साहब ने इस गाने को गाया था। इस लो बजट फिल्म में देखिए रिस्क था, 90 लाख रुपए लगा दिए थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, और उस वक्त उसके अगेंस्ट में 17 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाया था। क्या कमाल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। अमिताभ बच्चन साहब के तो भाग्य खुल गए थे, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से और उस समय के दौर की वजह से एक एंग्री यंग मैन इमेज क्रिएट हो गई थी पहली दफ़ा हिंदी सिनेमा में। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जंजीर फिल्म 1973। ओम साईं राम, जय साईनाथ।